और बात करेंगे रायसेन जिले की, जहां पर रायसेन में पुलिस परेड ग्राउंड में शहीद स्मारक में शहीद दिवस मनाया गया है और इस दौरान पुलिस की जबानुनी बैंड की थाप पर शहीदों को सलामी दी है। वहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधि ने पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के 220 जवानों को पुष्प चक्र से श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि 63 साल पहले 21 अक्टूबर के दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग सीमा पर सीआरपीएफ के जवानों की टुकड़ी पर चीनी सेना ने गोलीबारी की थी, जिससे 10 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे। 21 अक्टूबर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पुलिस और पैरा मिलिट्री के जिन लोगों ने अपने जीवन की जो आहुति दी होती है देश के सुरक्षा के लिए, हम लोग उनकी शहादत को कमेमोरेट करते हैं। और इस वर्ष भी उसी तरह आयोजन हुआ है। तकरीबन 220 शहीदों ने अपने जान की बाजी लगा अपने देश को सुरक्षित किया है। हम लोग आज उनको, इन सभी 220 लोगों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार